रोण दियां तस्वीरां जो तुसी अपनी स्क्रीन ते देख रहे हो ये पंजाब दे जिला पटियाला दे जलालपुर पिंड दियां हन जिथे एक अदालत दे फैसले तो बाद अजी ही 9 सालां दी बच्ची ते दुखां दा पहाड़ा टुटिया। ये बच्ची अदालत दे फैसले नूं मनन लई कतई तैयार नहीं है। रोंदी कुरलोंदी ये बच्ची अते उसदे परिवार वाले इस फैसले तो बेहद दुखी हैं कि शाम 5 बजे जिस बच्ची नूं उसदे पिता दे कोल तनाम भेजना है वो किवें उत्थे पहुंचे क्योंकि लड़की जान दा नाम नहीं ले रही। तुसीं तस्वीरां राही वेख सकदे हो इस बच्ची नूं लिजाण दी कोशिश परिवार कर रहा है पर बच्ची अपने पिता नाल जान ले बिल्कुल तैयार नहीं है। हुण तुहानूं पूरा मामला समझाउने आ कि बच्ची दे असली माता पिता सनाम दे रहण वाले सी। माता दा डिवोर्स होण तों बाद बच्ची अपने पिता दे ही अपने किसी रिश्तेदार दे कोले रहण लग गई। छोटी उम्र विच ही इस बच्ची नूं इत्थे इसदे दूसरे माता पिता वल्लों बड़े लाड़ा चावा नाल पालिया गया। इसे कारण इस परिवार दा बच्ची नाल गूढ़ा प्यार पै गया लेकिन कुछ साल बाद बच्ची दे असली प्यो नूं जो कि फौज विच भर्ती है उसनूं अपनी बच्ची दी याद आई तां उसने कोर्ट विच अपनी बच्ची नूं वापस लैण लई एक अपील पाती क्योंकि प्यो तां प्यो ही हुंदा है। इह मंनदे होए कोर्ट ने पिता दे हक विच ये फैसला कर दिता कि 5 तरीक नूं 5 बजे तो पहला बच्ची नूं बच्ची दे पिता दे कोल छड दिता जावे। लेकिन जिस बच्ची ने अपने माता पिता नूं इस परिवार दे रूप विच देखा है ताए बच्ची हुण अपने प्यो नाल जाण लई तैयार नहीं है। रोंदी कुरलोंदी ये बच्ची कोर्ट दे जज नूं भी अंकल कह रही है और जज साहिबान नूं भी रोंदी कुरलोंदी अपील कर रही है कि जज अंकल जी मेरी गल ही नहीं सुनी ते अपने आप फैसला सुना दिता, मैं अपने दूसरे घर नहीं जाना चाहुंदी। बच्ची ने कहा कि मेरे इत्थों वाले माता पिता ही मेरी अच्छी परवरिश कर रहे ने। आओ सुनते हैं इस 9 सालां दी बच्ची ने जज साहिबान नूं की अपील कीती। कुछ महीने पहला मैं सुनाम गई थी एज रिलेटिव। मैं सुनाम हमेशा जानी थी रिलेटिव के तौर पे। ते फिर एक बार ना फिर मैं 4-3 days रहती थी उत्ते। तां इस बार पता की होया, मैं ना उत्ते रहन गई ते ना उन्होंने ना मेनू 1 month रख लिया। फिर ना मम्मा और टेंशन च आ गई। फिर मम्मा ने मेनू पूछा कि कहना तेने कदों आना। फिर कहना मम्मा और मैं कहनी भी कहना मैं आना। फिर की कहना उत्थे ना ओह सुनाम वाले जेडे डैडी है उन्होंने कहा सीगा वी की ना पहला मेनू मारो ना फिर मेनू दे के जायो। फिर उस तो बाद ना फिर मम्मा हो रही आ गए। मम्मा बठिंडे जा रही थी। मम्मा मेरी बुआ ते मेरी छोटी भैन ते मेरी फुफड़ जी। ते उस तो बाद ना उन्होंने ना की कहना पहला तो मम्मा ने ना की कहना उन्होंने मेरे जेडे डैडी है सुनाम वाले उन्होंने ना मम्मा ने बहुत गालां कढ़ियां। फिर उस तो बाद ना उन्होंने की कहना मैनू की कहना भी चलो मम्मा कहते भी मैनू भी तू जा। फिर की कहना नहीं भी असी जा रहे हैं वो बाय। फिर मैंने कहा मम्मा मैनू भी छोड़ देना जाना। फिर उस तो बाद ना फिर उस तो बाद ना डैडी ने कहा किते नहीं जाना। फिर उस तो बाद मम्मा ने ना डैडी दे हाथ भी पैरां नूं हाथ भी लाए तां भी नहीं भेजा। फिर मैंने भी डैडी हाथ जोड़े। फिर उस तो बाद ना डैडी ते चाचू ने डैडी सुनाम वाले डैडी ते सुनाम वाले चाचू चाचू ते जगविंदर सिंह जी डैडी उन्होंने ना मैनू ना थप्पड़ मारे ते मैनू ना रूम च बंद कर दिता। फिर उन्होंने ना मेरी मम्मा बुआ ते मेरी छोटी भैन ने बहुत धक्के मारे। फिर उस तो बाद अंदर डैडी का फोन पिया सीगा सुनाम वाले डैडी का। तो मैनू ना डैडी का नंबर याद सीगा जलालपुर वाले डैडी का। तो मैंने उन्होंने फोन कर दिता कि डैडी पुलिस लेके आ जाओ। फिर मम्मा नू ना धक्के मार रहे हैं। बहुत खुश है मैं अपने पापा डैडी तो अलग नहीं होना चाहती। मैं 9-8 months
ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਲੇਡੀ ਆਫ ਫਾਤਿਮਾ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਅਸਰਪੁਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਰੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੇ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਮੈਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਐਸ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਸੱਚਖੰਡ। ਚਲੋ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸੀ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਆ ਸਾਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਚਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਪਾਤਾ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੌਣ ਛੱਡਣ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਚਾਚਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਜਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੰਦ ਕੱਢਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਖੁੰਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ। देश विदेश के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।